गुड आफ्टरनून। मैं आज ज्योग्राफी क्लास 9 का पढ़ाने जा रहा हूँ CBSE बोर्ड का। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं चैप्टर फर्स्ट, इंडिया साइज एंड लोकेशन पे। हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी का पढ़ लें। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस इन विच वी डील्स अबाउट अर्थ, अर्थ सरफेस, सोलर सिस्टम, द सीजन्स, वेदर्स, मीन्स वाट एवर द चेंजिंग हैपनिंग अराउंड अस वी कैन स्टडी इन ज्योग्राफी। तो हम लोग चलते हैं इसके फादर ऑफ ज्योग्राफी के लिए जानने के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि इराटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। इराटोस्थनीज ही वॉज अ ग्रीक स्कॉलर। इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड का ज्योग्राफी वर्ड यूज किया था, और साथ में इन्होंने सबसे पहले अर्थ के सरकमफेरेंस का जो मेजरमेंट है वो किया था, इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोलते हैं। तो हम लोग चलते हैं चैप्टर फर्स्ट, इंडिया साइज एंड लोकेशन के। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इंडिया का, अगर हम लोग इंडिया को देखें तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में है, और एशिया ईस्टर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का। अगर इंडिया की बात करें, हम लोग हमेशा ही न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं कि हमारे यहाँ वर्ल्ड का सेकंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और हम लोग वर्ल्ड में 7th नंबर पर रैंकिंग में है साइज में। तो हम लोग फिर आगे और देखें अगर इंडिया का, तो हमें लोकेशन जानने के लिए सबसे पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखना पड़ता है। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के लिए ही मैंने ये अर्थ का बनाया सरफेस। यहाँ हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अर्थ जो है ये क्या चीज़, दो साइड से अगर नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ देखें तो ये फ्लैट है, और दूसरी तरफ मीन्स हिंदी में लोग इसे ये भी बोलते हैं कि अर्थ क्या चीज़ है, संतरे या नारंगी की तरह है। तो ये नॉर्थ पोल है। हम लोग सेंटर में देखें, अर्थ के बीचों बीच एक हाइपोथेटिकल लाइन है जिसको 0 डिग्री पे हमने बोला, और इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, हिंदी में विषुवतीय रेखा लोग बोलते हैं इसे। इक्वेटर से ऊपर जाए 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में लोग इसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, और ऐसे 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जाए तो इसे लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये बीच का जो सरफेस है इसे हमने बोल दिया क्या चीज़, इक्वेटर। वैसे ही हम लोग देखें 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल है, जिसे हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भी बोलते हैं। हम लोग सबसे पहले वर्ड आते हैं लेटिट्यूड। अगर आप इसे देखें लेटा, आप इससे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे डेफिनेशन इसका होता है, दीज आर द लाइन्स, हाइपोथेटिकल लाइन्स विच आर पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल। पैरेलल आप जानते हैं, दो लाइन को पैरेलल हम लोग तब बोलेंगे जब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या रहता है, या हिंदी में समांतर रेखा बोलते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस कॉमन रह जाएगा और दोनों कभी मीट नहीं करती। वैसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटर से पैरेलल, ये पूरी तरीके से पैरेलल नहीं, बट नियर अबाउट हम लोग बोलते हैं कि इक्वेटर से जो पैरेलल रेज है, जैसे ये आप पेंसिल से लाइन देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, लैटिट्यूड। वैसे अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेटा हुआ, मीन्स अगर हम लोग देखें तो ये लेटा हुआ दिखेगा, ये लैटिट्यूड। और दूसरी ओर लॉन्गिट्यूड अगर देखें तो दीज आर वर्टिकल टू द इक्वेटर, मीन्स ये सब 90 डिग्री का एंगल इक्वेटर पे बनाती है लाइन। इसे हमने बीच वाला लाइन तो एक्यूरेट 90 डिग्री, और बाकी सब हाइपोथेटिकल 90 डिग्री के अराउंड में ये लाइन्स बनाती है, इसलिए हम लोग ने इसे लॉन्गिट्यूड बोला। तो अगर लैटिट्यूड का मिडिल पॉइंट देखा जाए तो ये क्या चीज़ है, इक्वेटर है, 0 डिग्री। इसके ऊपर जो कुछ भी है इसे हम नॉर्थ बोलते हैं, इसके नीचे जो कुछ भी है इसे हमने क्या बोला, साउथ बोला। दूसरी ओर लॉन्गिट्यूड को देखें तो इंग्लैंड में लंदन शहर के बाहर एक जगह है ग्रीनविच, यहाँ एक पुराना घंटाघर था। आपको पता है कि इंग्लैंड ने सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल कर रखा था, हर कंट्री 108 कंट्री के अप्रॉक्स जो आज की कंट्रीज है उस पर इंग्लैंड का कब्जा था, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इंग्लैंड के अनुसार ही टाइम का मेजरमेंट किया गया, क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि इनके सल्तनत का कभी भी सूर्यास्त नहीं होता। तो ग्रीनविच वो घंटाघर था जिस टाइम को इन लोगों ने स्टैंडर्ड माना, और पूरे होल वर्ल्ड में जहाँ भी इन्होंने कब्जा कराया था, जो एरिया इन्होंने एक्वायर किया था, हर जगह पे वही टाइम को ये लेके चले। तो हम लोग इसी को बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, सॉरी, लंदन के बाहर ग्रीनविच गांव में घंटा का ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, इसे ही शॉर्ट में GMT बोला जाता है, और इसी को लॉन्गिट्यूड का 0 डिग्री लिया जाता है।
लॉन्गिट्यूड का 0 डिग्री। इसके राइट साइड में जो कुछ भी है ये ईस्ट हो गया, और इसके लेफ्ट साइड में जो कुछ भी है वो क्या चीज़ है, वेस्ट है। तो आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि अगर ये आप सपोज करो कि GMT है, तो GMT के राइट में जो कुछ भी है ये आ गया हमारा क्या चीज, ईस्ट, और इसके पीछे चले जाए तो क्या चीज़ है, वेस्ट। तो आप दो चीज़ समझ गए कि हाँ GMT के हम लोग अगर ईस्ट में जाए तो ये, GMT के अगर राइट साइड जाए तो ईस्ट और लेफ्ट साइड जाए तो वेस्ट में। अब GMT हमारा 0 डिग्री था। अब हम लोग अपने इंडिया की बात करें लोकेशन लैटिट्यूड की, सबसे पहले तो लैटिट्यूड हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, पहले ये इंदिरा पॉइंट हुआ करता था अंडमान निकोबार का, बट मेन लैंड का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ये कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि इंडिया इक्वेटर के ऊपर है। इंडिया को देखा जाए तो इंडिया इस पोर्शन के अराउंड में, यहाँ पे इंडिया है, तो ये इक्वेटर से 0 डिग्री से क्या हो रखा है, ऊपर हो रखा है। तो हम लोग जैसे ही इक्वेटर से ऊपर जाते थे तो कहाँ क्या बोलते थे उसे, नॉर्थ बोलते थे। और इंडिया जो ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, इसके क्या चीज़ है, राइट साइड में है। तो जैसे ही हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के राइट साइड आते थे, इसे हमने क्या बोला था, ईस्ट बोला था, राइट साइड को ईस्ट बोला था हमने। तो हम लोग देखें, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इंडिया नॉर्थ में भी है और इंडिया राइट में भी है, राइट मीन्स ईस्ट में है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो क्या चीज़ है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, पोजीशन ऑफ इंडिया। आप इसे पोजीशन बोलो या लोकेशन बोलो, इंडिया का लोकेशन जो पूरे वर्ल्ड में वो नॉर्थ ईस्ट में है। अब देखें तो कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, कन्याकुमारी में अगर हम लोग देख रहे हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ऐसे ही अगर हम लोग ऊपर जम्मू कश्मीर के पास देखें तो ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ आता है। ये हमने इंडिया का क्या चीज़ देखा, ये लैटिट्यूड देखा। अगर आप लॉन्गिट्यूड की बात करो तो गुजरात के रैन ऑफ कच्छ इलाके में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, अभी आपने देखा था कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट में है, तो हमने नॉर्थ का 2 तो लिख लिया, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब ईस्ट का देखें, इंडिया का जो वेस्टर्न पोर्शन गुजरात का रैन ऑफ कच्छ वाला है, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है, और साथ में इंडिया का जो सबसे ईस्टर्न पोर्शन, यहाँ पे स्पेस की कमी है इसलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, एक पोंग नेम का विलेज है, वो पड़ता है हमारा क्या चीज़, अगर हम लोग सबसे लॉन्गिट्यूड का ईस्टर्न पार्ट देखें तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यहाँ से आप इंडिया का लैटिट्यूड जान सकते हो। तो हमने इंडिया का लैटिट्यूड क्या जाना, अगर लैटिट्यूड की बात करें तो इंडिया का लैटिट्यूड हमने देखा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और इंडिया का अगर लॉन्गिट्यूड देखें तो ये हमने देखा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो आपने इंडिया का लोकेशन देख लिया। अब इंडिया की साइज की बात करें, अगर हम लोग साइज की बात करते हैं तो हमारा जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक का जो डिस्टेंस पड़ता है, ये यहाँ से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट तक का जो डिस्टेंस पड़ता है ये हमारा होता है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर अगर ये पड़ रहा है। और अगर हम लोग यही नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जाए, कन्याकुमारी से लेके उधर जम्मू कश्मीर तक का, तो ये हमारा पड़ता है 3214 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हम क्या देखेंगे, 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने इंडिया का साइज भी देखा। अगर हम लोग वेस्ट से लेके ईस्ट तक का देख रहे हैं तो इंडिया का साइज था 2933 किलोमीटर। अगर हम लोग साउथ, इंडिया के साउदर्न पार्ट से लेके इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट तक जा रहे हैं तो हमने क्या देखा, 3214 किलोमीटर। तो आपका लोकेशन कंप्लीट हुआ।
साइज कंप्लीट हुआ। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का देखें, इसके लिए मैं एक और पेज में आपको बता रहा हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। जरा आप इसमें कैलकुलेशन है, आप अच्छे से देखना। अगर आप इंडिया का, मैंने आपको बताया कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो कि 0 डिग्री पे था, इसके राइट को हम लोग क्या बोल रहे थे, ईस्ट बोल रहे थे। तो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट था, आपने देखा था कि ये गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट था, और अरुणाचल प्रदेश में जो पोंग का इलाका है वहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट था। तो आप अगर इसको देखो तो ये अप्रोक्सीमेटली लगभग 30 डिग्री के अराउंड है। इसीलिए इंडिया का मतलब हम लोग अगर देखें, आपको पता है कि सनराइजेज इन द ईस्ट, तो अगर अरुणाचल प्रदेश आप चले जाओ तो वहाँ पे 4:30 AM में सूर्योदय हो जाता है, वहाँ पे सनराइज हो जाती है। और आप गुजरात जाओगे तो वहाँ 2 घंटे का अंतर है। यहाँ सूर्योदय अगर 4:30 बजे सुबह में हो रहा है तो यहाँ 6:30 में होना है गुजरात के ये लास्ट वाले पार्ट पे। तो आप सोच सकते हो तो ऐसे में इंडिया में तो एक टाइम होना चाहिए, अदरवाइज ये कितनी प्रॉब्लम होगी। अगर कोई अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल से या सिलचर के पास से आसाम से अगर फ्लाइट पकड़ता है और वो 4:30 बजे वहाँ से उड़ रहा है और वो गुजरात पहुँच गया, 2 घंटे में फ्लाइट ने पहुँचा भी दिया, वो उतर रहा है, तो पता चल रहा है कि अगर टाइम सन के अकॉर्डिंग होता तो वहाँ भी 4:30 बज रहा है। तो ऐसे में तो बंदा बोलता मैं पहुँच भी गया और मेरा टाइम भी नहीं लगा, तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं होना था। फिर टाइम ट्रेन का सबका ही टाइम नहीं निकलता। इसीलिए हमने क्या किया, इसके मिडिल का बीच का एक सोचा। तो क्या लिया गया, इंडिया में 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को देखा गया कि ये मिडिल पोर्शन में पड़ रहा है। और ये हमारे कहाँ पे पड़ता है, तो यूपी का नैनी, यूपी में एक प्लेस है नैनी, वहाँ के पास से ही जाता है। यूपी में नैनी, ये जो आप प्लेस देखेंगे ये कहाँ होना चाहिए, यूपी का नैनी। ये नैनी पड़ता है प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, उसके अंदर ही एक छोटा सा टाउन है नैनी, जो कि हमारा क्या पड़ता है मेन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। इसी 82 डिग्री 30 मिनट को हमने बोला IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आपने IST देखा, आपने प्लेस देखा कहाँ से ये IST गुजरता था, ये गुजरता था नैनी, किस प्लेस पे है प्रयागराज, क्या पुराना नेम था अलाहाबाद, कौन से स्टेट में पड़ता है यूपी। इस यहाँ जो टाइम पीरियड होगा उसी को हम लोग थ्रू आउट इंडिया में लेते हैं। तो आपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी देखा। अब एक ये भी होता है टेंशन कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करें, ये GMT से कितना आगे है, क्योंकि GMT से हम लोग ईस्ट में हैं, मीन्स हमारे यहाँ सन तो पहले उगना है, तो फिर हम लोग कितने आगे। तो ऐसा बोला जाता है कि 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है उसका मीन्स होता है 4 मिनट। तो आपके पास अभी कितना था स्टूडेंट्स, 82 डिग्री और 30 मिनट। ऐसा बोला जाता है कि 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। ये घंटा वाला नहीं है कि आप 60 मिनट का 1 आवर ले लोगे, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। और हमने 82 डिग्री 30 मिनट लिया, और 1 डिग्री में कितना मिनट था, 4 मिनट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपन 82 × 4 प्लस 30 मिनट है, अभी आप देख रहे थे 60 मिनट को 1 डिग्री बोलते हैं, और 1 डिग्री मीन्स होता है कितना बाबू, 4 मिनट। तो अगर आप इसको 30 मिनट बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ डिग्री, और हाफ डिग्री मीन्स कितना मिनट हो जाएगा, तो 2 मिनट हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, 82 × 4 82 डिग्री था, 1 डिग्री में 4 मिनट था, तो मैंने इससे इंटू कर दिया, प्लस 30 मिनट, 30 मिनट मीन्स हाफ डिग्री है, तो हाफ डिग्री को भी किससे इंटू कर दूँ, 4 से इंटू कर दूँ। तो अगर आप इसको देखो, 4 × 2 = 8 और ये 328 प्लस 2 मीन्स कितना हो गया, 330 मिनट। और आप अच्छे से जानते हो कि हर 60 मिनट का क्या चीज़ होता है, 1 आवर होता है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 330 मिनट को हमने क्या करा, 60 मिनट से डिवाइड कर दिया, तो आप इससे क्या निकलेगा, तो 5.5 आवर्स। मीन्स आप यहाँ पर कर सकते हो अज्यूम कि हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कितने घंटे पहले, 5:30। अगर आपके यहाँ दोपहर के 2 बज रहे हैं तो आप 5.5 घंटा पीछे कर लो, वो टाइम हो रहा होगा कहाँ का, तो लंदन का। आप 5.5 घंटा पीछे जाओगे तो क्या होगा, तो वहाँ पे 8:30 सुबह हो रहा होगा AM।
अगर इंडिया में टाइम 2 बज रहा है तो यहाँ 8:30, इसलिए कभी कभी आप क्रिकेट मैच देखते होंगे। हमारे यहाँ अगर या इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा था, वो स्टार्ट करवाते थे जिस टाइम में, उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम डिफरेंट होता था। 2007 का वर्ल्ड कप था, वो मुझे ध्यान है कि वेस्टइंडीज में हो रहा था, और वो वहाँ के अकॉर्डिंग 2 बजे करवाते थे, और वेस्टइंडीज इंग्लैंड से भी पीछे हो, GMT से माइनस में है, वो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा उसका। तो हमारे यहाँ रात के 7, 8, 9 बजे स्टार्ट होता था, और 2:30, 3 बजे सुबह तक हम लोग मैच देखते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जाए इंडियाज नाइबर्स पे, तो भारत के पड़ोसी कौन कौन है। तो वेस्ट साइड में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे क्या चीज़ है, पाकिस्तान है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में जाओगे इस पोर्शन में, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, अफगानिस्तान है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसा है कि मैं कल से ऑनलाइन क्लासेज, लाइव क्लासेज कर देता हूँ। कल से दोपहर के 2 बजे मैं क्लास 9 का, या शाम में 3 बजे मैं क्लास 9 का लूँगा, और मॉर्निंग में 9:30 मीन्स 9:30 AM पे मैं क्लास 10 को पढ़ाऊँगा। अगर आप लाइव क्लासेज में आ सकते हो तो मैं कल से लाइव के लिए कर दूँगा। आपको जो लगे आप वो कमेंट सेक्शन में कर दें, और जितना से ज़्यादा हो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, तभी फिर इसका कोई बेनिफिट मिल पाएगा। इस साइड देखें नॉर्थ साइड में, तो इस साइड में चाइना, ये जो पोर्शन है आपका, इसे हमने क्या बोल दिया, ये हमारा कंट्री है नेपाल। यहाँ भूटान, ईस्ट साइड में यहाँ आप चले जाओगे म्यांमार, और ये जो बीच का पोर्शन है इसको हमने क्या बोल दिया, बांग्लादेश बोला। तो अगर इंडिया को देखा जाए तो हम लोग कितने कंट्री से, लैंड से मतलब कनेक्टेड है, 1 पाकिस्तान, 2 अफगानिस्तान, 3 पे चाइना, 4th पे नेपाल, 5th पे भूटान, 6th पे म्यांमार, और 7th पे बांग्लादेश। तो 7 कंट्री से हम लोग क्या चीज़ कनेक्टेड है लैंड के थ्रू। और इंडिया का जो टोटल लैंड का टेरिटरी है ये 15,200 किलोमीटर के आसपास है, और सबसे लंबा जो हमारा टेरिटरी है वो किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। ठीक, अब हम लोग ओशन की तरफ जाए। आपको पता है कि ये लक्षद्वीप आइलैंड है, 36 आइलैंड इसमें है, सारे लगभग कोरल रीफ के, और ये हमारा अंडमान एंड निकोबार है। आप अगर देखें समुद्र के साइड से, तो यहाँ से हमारे साथ क्या चीज़ कनेक्टेड है, श्रीलंका है। तो हमारा जो एक और नाइबर है जो ओशन के थ्रू से, वो श्रीलंका है, और थोड़ी दूरी पे अगर इंडियन ओशन में देखें तो यहाँ आता है कौन सा, मालदीव है। तो हमारे अगर कंट्रीज़ देखें तो 7 कंट्रीज लैंड से हम लोग से कनेक्टेड है, और 2 कंट्री हमारे क्या चीज़ है, नाइबर्स हैं, किस साइड से, ओशन से। और टोटल लैंड का टेरिटरी आपने सीमा देखा था, हमारा जो बॉर्डर था वो 15,200 किलोमीटर जमीन का था, और अगर आप ओशंस पे आते हो तो टोटल 7,516.6 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग 2 कोस्टल एंड 2 आइलैंड मीन्स लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों को मिला दें, तो हमारा जो सीमा है मतलब समुद्री सीमा तट रेखा, वो 7,516.6 किलोमीटर है। और अगर आप मेन लैंड मीन्स गुजरात, जो कि मुख्य भूमि से जुड़ा है, गुजरात से आप आके और इधर वेस्ट बंगाल तक जाते हो, तो ये जो मेन लैंड का हमारा टेरिटरी है ये है क्या चीज़, 6,000 किलोमीटर लॉन्ग। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इंडिया का लैटिट्यूड, हम लोग लोकेशन में लैटिट्यूड पर रहते हैं, इंडिया का लैटिट्यूड क्या था, 8° 4' नॉर्थ से 37° 6' नॉर्थ, इंडिया नॉर्थ में पड़ता है, इक्वेटर से ऊपर है। लॉन्गिट्यूड हमने क्या देखा, 68° 7' ईस्ट से 97° 25' ईस्ट। साइज हमने इंडिया का क्या देखा, इसका साइज वेस्ट से लेके ईस्ट तक में 2,933 किलोमीटर 2,933 किलोमीटर, और नॉर्थ से लेके हमारा साउथ तक में क्या है, 3,214 किलोमीटर 3,214 किलोमीटर, ये हमने बोला। फिर हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे आते हैं, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से मेजर किया गया, नैनी से। नैनी कहाँ पड़ता था, प्रयागराज, पुराना नेम क्या था, इलाहाबाद, हमने वो ले लिया। और हम लोग कितना आगे थे, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया था, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा का पूरा कैलकुलेशन हमने किया था। 5.5 आवर्स हम लोग आगे थे, किससे, तो GMT से, जो ग्रीनविच मेरिडियन
टाइम था उससे। हम लोग इंडिया के नाइबर्स का देखें तो इंडिया के नाइबर्स में हमने देखा कि 7 कंट्री हमसे ज़मीनी से जुड़े थे और 2 कंट्री समुद्र की तरफ से हमारे पड़ोसी थे। सबसे लंबा बॉर्डर हमारा किसके साथ था? बांग्लादेश के साथ। लंबाई हमारी 15,200 किलोमीटर थी बॉर्डर एरियाज के थ्रू, ये लैंड वाले से। और अगर हम लोग कोस्टल एरियाज में जाते हैं, अगर हम लोग इसको दोनों आइलैंड्स को भी ले लेते हैं तो साथ में 7,516.6 किलोमीटर है और सिर्फ मेनलैंड का तो 6,000 किलोमीटर। तो जय हिंद। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे मैं और भी वीडियो बनाते रहूं और अपने स्टूडेंट्स का के लिए बेनिफिट पहुंचाऊं। थैंक यू।